मानव इतिहास में कृषि आजीविका का पहला स्रोत बना जो पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर था, या यूं कहें पशुपालन मानव जाति के लिए प्राचीन काल से ही आजीविका का मुख्य साधन रहा है। झारखंड के सुदूर इलाकों के गरीब ग्रामीणों ने पशुपालन के महत्व को समझ लिया है और सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत मुर्गी, बत्तख, मछली, बकरी और अन्य जीवों का वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण करके अपने जीवन स्तर को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में इनका मार्गदर्शन का कार्य झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कर रही है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहला कदम होता है लोगों को संगठित करके जागरूक करना। JSLPS ने महिला सखी मंडलों का गठन करके उन्हें पशुपालन के लिए ट्रेनिंग दी। बाहरी परजीवी और कुछ जो है सो शरीर के अंदर में भी होता है, जैसे हो गया गोल कृमि, फीता कृमि और बहुत सारा ऐसे लीवर फ्लू, इस तरह के मतलब हजारों हजारों में जो कृमि होता है, बहुत सारा ऐसा कृमि जो दिखता नहीं, आँख से दिखेगा नहीं, वो बहुत छोटा होता है। इतना चीज़ जब हो जाएगा बकरी में या तो मुर्गी में या तो बड़ा जानवर हो, किसी भी तरह का पशु हो, तो उसमें बहुत सारा बीमारी होना शुरू हो जाता है। ये है सावित्री देवी, गांव सिमरादाव, जिला गिरिडीह। सावित्री पहले भी मुर्गी पालन का व्यवसाय कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपनी लागत भी निकालना मुश्किल होता था। लेकिन जब से सावित्री देवी महिला सखी मंडल की सदस्य बनी है और JSLPS से मुर्गी पालन की वैज्ञानिक ट्रेनिंग लेकर मुर्गी पालन का व्यवसाय करना शुरू किया है, इनकी आमदनी का अंदाजा इन तंदुरुस्त मुर्गे मुर्गियों से लगाया जा सकता है। हम लोग पहले भी मैं मुर्गी पालती थी, उसमें जो पहले का जो मुर्गी मिलता था उसमें हम लोग का उतना आमदनी भी नहीं होता था, और जो मुर्गी था वो बीमारी के कारण मर भी जाता था, उसको दवा ववा भी हम लोग पहले नहीं दे पाते थे। लेकिन अब जो हम लोग को समूह के माध्यम से जो हम लोग को मुर्गी मिला है, जो तेलोनारी से हम लोग लाए हैं, उसको दवा हुआ सब देख करके जो चूजा छोटा छोटा 50 बच्चा को लाएँ, उसको पालें, उसको पालने के बाद हम लोग को बड़ा बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है, और उसको दवा भी खिलाते हैं। जो पशु दीदी रहती है APS दीदी, वो लोग भी दवा देते हैं। जो LIC में जो भैया हैं वो भी आकर के दवा देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जल्दी तैयार भी होता है बच्चा। और हम लोग 40 मुर्गी बेच भी दिए, उसमें से हम लोग को 400 रुपया करके, एक मुर्गी पर 400 रुपया करके आमदनी हम लोग को मिला, 40 को हम लोग बेच दिए। और उसमें में से अंडा भी हम लोग बेचे हैं 250, उसमें हम लोग को 2500 रुपया उससे आमदनी हुआ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने समेकित पशुधन विकास केंद्र की स्थापना की है। यहाँ महिला सखी मंडलों की मीटिंग होती है, महिलाओं को व्यावसायिक तरीके से पशु पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए प्रदर्शन क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ से लोगों को मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं, बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अजोला चारा उगाया गया है। यहाँ से ग्रामीणों को अजोला चारा उगाने हेतु बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। लोगों ने अपने घरों में भी अजोला पिट बनाकर चारे को उगा लिया है। अजोला एक पशु के लिए बहुत ही लाभकारी चीज है, और प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और इसको पशु को अगर 2 से 3 महीना तक अगर कंटिन्यू हम लोग खिलाते हैं तो उसका 1 kg वजन से ऊपर ही बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि डाइजेस्टेबल है, ये पचाने की क्रिया भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, और ये हम लोग अभी ILDC के माध्यम से ही प्रत्येक गाँव में और प्रत्येक गाँव किसान को साथ में हम लोग ये घास को देने का काम करते हैं, और हम लोग बताते हैं कि इस घास को किस तरह से रखा जा सकता है, किस तरह से इसको उगाया जा सकता है, और ये हम लोग जगह जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। व्यवसायिक पशुपालन में पशुओं की देखभाल और बीमारियों से बचाकर रखना एक बड़ी समस्या है, इसीलिए JSLPS ने सखी मंडल की इच्छुक महिलाओं और गांव के युवा पुरुषों को एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से एनिमल हेल्थ वर्कर्स का कोर्स कराकर पैरावेट तैयार किए हैं, जो पशुपालकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ गाँवों में
पशुपालकों को बीमारियों से बचाव, टीकाकरण, बीमार पशुओं की देखभाल करने का तौर तरीके, समय से दवाई उपलब्ध कराना और बकरों को बधिया करने आदि जैसे कार्य करते हैं। सखी मंडल की पशु सखी दीदियां गांवों में व्यवसायिक पशु पालकों की आधी जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं। पशुपालक भले ही भूल जाए, लेकिन ये कभी नहीं भूलती कि किस बकरी को कब टीकाकरण करना है। ये सब कुछ अपनी डायरी एवं महिला किसान कार्ड में लिख कर रखती हैं और समय से बकरियों का टीकाकरण करती हैं। बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन तैयार करके बकरी पालकों को देती हैं। तीन भाग है मकई का दर्रा, दो भाग है चोकर और एक भाग है सरसों का खल्ली। इसको खिलाने से फायदा है बकरी के लिए और बकरी का वजन बढ़ेगी। पीपीआर का हम लोग टीका देते हैं तो उसमें एक भाल में रहता है, 100 बकरी का एक भाल में रहता है, तो हम लोग 100 बकरी का पीपीआर टीका लगाते हैं। तो एक बकरी का हम लोग 7 रुपया लेते हैं, तो उनमें से 4 रुपया एलडीसी को देना पड़ता है और 3 रुपया अपना जितने एपीएस, 2-3 एपीएस मिल के काम करते हैं तो उनमें से रखना पड़ता है 3 रुपया और 4 रुपया एलडीसी में जमा करते हैं दवा का दाम। तो हम लोगों का यही फ़ायदा होता है। और डिवॉर्मिंग जब करते हैं तो 5 रुपया गोली के पीछे लेते हैं, तो 5 रुपया तो 2.5 रुपया एलडीसी को देते हैं और 2.5 रुपया हम लोगों को मिलता है। जैसे कि हम लोग पेमेंट भरते हैं, काम करते हैं तो पेमेंट सीट बना के देते हैं। उसके बाद गांव में जो काम करते हैं उसमें भी हम लोगों को 1500 से 1700 रुपया तक आमदनी हो जाती है हर महीने। ये बकरियों का झुंड ले जा रही उर्मिला देवी और रूबी कुमारी दोनों ही रिश्ते में जेठानी और देवरानी हैं। पहले ये बिना किसी प्लानिंग की बकरियां पालती थी और इनकी कोशिश होती थी कि इनकी जितनी भी लागत है उतना भर निकल जाए, लेकिन जब से इन दोनों महिलाओं ने बकरी पालन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तब से इनका बकरी पालन का ढंग ही बदल गया है। ये हमेशा से पशु सखी दीदी के संपर्क में रहती हैं, समय से बकरियों को टीकाकरण करवाती हैं, बकरियों का समुचित भोजन और उनकी देखभाल करती हैं। अब ये बकरियां इनके परिवार की आमदनी का मुख्य स्रोत बन चुकी हैं। हम लोग दोनों पहले एक बकरी दो बकरी पालते थे, उससे हम लोग को लाभ नहीं मिलता था, मर जा भी जाती थी, बीमारी आता था। तो हम लोग जब आईएलडीसी में भैया हम लोग को ट्रेनिंग दिए तो हम लोग बकरी कम से कम 40 से 50 बकरी पालते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलके हम लोग व्यापारी करते हैं, उसका बिजनेस किए हैं बकरी का, तो उसमें हम लोग को लाभ मिलता है। जैसे कि कुछ होता है बीमारी तो भैया बोलते हैं तो भैया के इलाज कर देते हैं, दवा मिलता है तो ठीक हो जाती है बकरी। 40 से 50 बकरी जैसे पाल रहे हैं दोनों मिल करके, और हम लोग को एक साल में सालाना इनकम लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में आता है, और जिसको हम लोग अच्छा से अभी कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा से आगे भी बढ़ने का यानी प्रयास जारी रखे हैं और सोच रहे कि ऐसे ही मेरा गाँव में सब कोई बकरी का पालन करे और इससे लाभ उठाए। ये हैं परमिला देवी, गांव गमतरिया, जिला गिरिडीह। बहुत ही कम समय में इन्होंने बतख पालन से अपने परिवार की आर्थिक दशा ही बदल दी है। इनके पति मनोज ट्यूशन पढ़ाते थे, इसके अलावा परिवार में आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। इनका परिवार बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहा था, तभी परमिला देवी ने गांव की सखी मंडल से जुड़कर बतख पालन की ट्रेनिंग ली। पति मनोज का पूरा सहयोग मिला, अब दोनों पति पत्नी बत्तख पालन को व्यवसायिक तरीके से कर रहे हैं। बत्तख पालन में बत्तखों के लिए तालाब की जरूरत होती है, इन्होंने सोचा क्यों ना बत्तख के साथ मछली पालन भी शुरू किया जाए। इन्हें प्रति बत्तख 300 रुपए मिलते हैं और दूसरी तरफ मछलियों की खेप भी तैयार हो रही है। हमारी पत्नी परमिला देवी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, इनको पता चला कि कहीं कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग करवा रहे हैं एलडीसी से, जिसमें बतख पालन, मुर्गी पालन ये सब चीज़ के बारे में बताए थे। तो हमने बोला ट्रेनिंग कर लो, करवा के इनको बताए। इसमें 200 पीस बतख हम लोगों को मिला था, वहाँ से 50 रुपये पीस में हम लोगों को मिला था। और 50 रुपये मिलने के बाद बताए कि यहाँ कोई भी तरह का बीमारी, कोई तरह का दवा होगा तो हम लोग ऐसे बताइएगा, तो हम लोग बताते थे, वहाँ से सारा सहयोग मिलता था हम लोगों को, मिनरल ये डिवॉर्मिंग वगैरह वगैरह दवाई हम लोगों को वहाँ से मिल गया। और उसे देख करके ग्रोथ देख रहे हैं बहुत अच्छा है। 200 पीस में 100 पीस बेच दिए जिसमें 30 हज़ार का आमदनी हुआ। पहले हम लोग का आमदनी का कोई साधन नहीं था,
और अभी देखे कि बहुत अच्छा है तो इसमें हम लोग फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। अभी 100 पीस बचा हुआ है जिसको हम लोग आगे के लिए रखें, अंडा उंडा देगा और इसको बेचने के लिए रखे हुए। सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ने झारखंड में ग्रामीण गरीब परिवारों की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। पहले जहां परिवार पुरुषों की अगुवाई में चलता था, अब उनकी जगह महिलाओं ने ले ली है। जिन महिलाओं के पास पहले कुछ भी नहीं था करने के लिए, अब वे महिलाएं पशुपालन से अपना घर चला रही हैं।